नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फायर गुरु ऑफ राजस्थान। आज मैं आपके लिए एक फायर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट कहो जो आपको अच्छा लगे वो कहो, बट है फायर से रिलेटेड टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अगर आप फायर सेफ्टी की तैयारियां कर रहे हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आज जो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ ना, जिस टॉपिक के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ, शायद आपने नहीं सुना होगा। यह टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ, जब भी आप कोई कंपनी वगैरह ज्वाइन करेंगे ना, भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको दिक्कतें आएगी। आगे आप जॉब भी करोगे, आपका करियर भी है, अगर आपने फायर एंड सेफ्टी एरिया चुना है तो आपका ये करियर के लिए, ये आपके लिए उपयोगी भी है। ये हर पॉइंट आपको लिए आप जाना आपके लिए ज़रूरी है। आज अपने डायरेक्ट मैं टॉपिक पे आता हूँ, चर्चा किस टॉपिक पे करेंगे वो आपको बता देता हूँ। जिसने सुना है बहुत अच्छी बात है, और जिस बच्चों ने जो न्यू है इस सेक्टर में और जिसने नहीं सुना अब तक, तो वो वीडियो को स्किप मत करना, मेरे साथ बने रहिएगा। मैं पूरी वीडियो आपको, टोटली ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है ये, ठीक है, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो आप कंटिन्यू वीडियो को स्किप मत करना, कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहिए। आइए आज अपने जिस पॉइंट पे चर्चा करेंगे डायरेक्टली मैं अपने बताता हूँ। बिलीव, फायर में एक प्रकार का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिलीव। अगर आपको बिलीव के बारे में नहीं मालूम तो दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। तो आज अपने चर्चा करेंगे बिलीव के बारे में, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, कैसे वर्क करता है, कहाँ सर ये बिलीव कहाँ हमको देखने को कहाँ मिलेगा, ठीक है, तो इसके बारे में नॉलेज हमें क्यों ज़रूरी है, तो बेस टू बेस मैं बताता रहूँगा, आप जुड़े रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले अपने इसकी चर्चा करते हैं, बिलीव की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, देखते रहिएगा, या आपके पास कोई नोट्स वगैरह या बुक है तो आप उसमें नोट भी की लीजिएगा, ठीक है। बी का मतलब बॉइलिंग, बॉइलिंग इंग्लिश का एक वर्ड है, हिंदी में आप जानते होंगे बॉइलिंग का मतलब क्या होता है। चलो एक काम करते हैं, एक बार मैं टोटली जो अपने टॉपिक है उसकी जो शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, तो उसके एक एक वर्ड का मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं हिंदी में बता देता हूँ, फिर डायग्राम बना करके अपने टोटली इस टॉपिक के बारे में समझेंगे, ठीक है। बॉइलिंग, सॉरी बिलीव नहीं होता है, बिलीव, बी एल ई वी ई, बी एल ई वी ई, जरूरी थोड़ी है, कई बार दिक्कतें आ जाती है जब अपने काम करते हैं ना, कैमरा के सामने जब कोई वीडियो वगैरह हम शूट करते हैं तो कई बार मिस्टेक हो जाती है, इसके लिए मैं सॉरी, ठीक है, बिलीव, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है एल, एल का मतलब होता है लिक्विड, एल का मतलब लिक्विड। बिलीव अपने टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, एक एक वर्ड का पहले अपने फुल फॉर्म का पता लगा लेते हैं, उसके बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे डायग्राम बना के कि सर ये किस प्रकार से जनरेट होता है, ठीक है। उसके बाद में ई, एक्सपेंडिंग, ठीक है, वी, वेपर, ठीक है, ई, एक्सप्लोजन, सबसे पहले आप नोट की लीजिएगा, बिलीव, बिलीव का जो शॉर्ट फॉर्म है उसकी फुल फॉर्म होती है बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन, ठीक है। तो अपने अब ये इस पॉइंट पे चर्चा करेंगे, ये काम कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, ठीक है, तो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप फायर से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, अगर फायर से रिलेटेड जुड़े हुए हैं तो आपके सामने ज़रूर इस प्रकार का कभी ना कभी सेक्टर में काम कर रहे हो, जिस एरिया में काम कर रहे हो, तो ये टॉपिक देखने को ज़रूर मिलेगा, ये पार्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है।
तब अपने चर्चा करते हैं इसके डायग्राम के आधार पर। डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप जुड़े रहिएगा लगातार, वीडियो को स्किप मत करना। शानदार टॉपिक है ये, समझाने की पूरी शानदार बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, आप जुड़े रहिएगा। देखते ये क्या है, एक लिक्विड टैंक है। क्या है? लिक्विड टैंक। अपने चर्चा किसकी कर रही है? बॉइलिंग। किसकी चर्चा कर रही है? BLEVE, बिलीव, बिलीव की चर्चा कर रही है। ये किस तरीके से काम करता है सर, ये कैसे एक्सप्लोज होता है? ठीक है, ये क्या, एक लिक्विड का टैंक है। तो लिक्विड का टैंक तो आपने देखा ही होगा, ठीक है, या आप किसी रिफाइनरी में वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो लिक्विड का टैंक तो रिफाइनरी में तो होते ही होते हैं, जैसे वहाँ पे स्टोरेज के लिए LPG गैस हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, तो ऑयल की जो भी रिफाइनरी है उसमें लिक्विड के टैंक होंगे, ठीक है, तो वहाँ लिक्विड के टैंक होंगे, तो अपने एक लिक्विड का टैंक वहीं से एक लिक्विड का टैंक उठा लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, एक टैंक है। अपना चर्चा कर रहे हैं बिलीव के बारे में कि सर ये कैसे काम करता है, इसके बारे में टोटली मुझे बताइए। देखते रहिएगा इसमें क्या है। भी अपना एक टैंक उठा लेते हैं जिसमें क्या भरा हुआ है, LPG, जिसमें क्या भरा हुआ है, LPG। LPG का आप नाम जानते हो ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये क्या, एक अपने टैंक ले लिया, ठीक है, चर्चा कर किस तरह बिलीव कैसे वर्क करता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। LPG गैस, इसमें क्या भरा हुआ है, LPG गैस। अब ये एक हमेशा ध्यान रखना, जो भी टैंकेज होते हैं ना, स्टोर टैंक जिसमें लिक्विड वगैरह जो भी है लिक्विड अपने को स्टोर करते हैं, तो उसमें 5-15% स्पेस क्या रहेगा, खाली रहेगा। कितना रहेगा, 5-15% खाली रहेगा। वो मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताऊंगा किस तरीके, क्यों खाली रखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, PR वाल्व, क्या होता है, PR वाल्व। अब ये वर्क कैसे करता है मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। PR वाल्व ये, ठीक है, तो भाई जो भी लिक्विड एरिया है वहाँ पे टैंक बने हुए हैं, ठीक है, टैंक बने हुए होंगे तो अपने को बिलीव पॉइंट के बारे में समझना है, ठीक है, ये कैसे एक्सप्लोजन होता है, तो बिलीव पॉइंट जिसे ये जनरेट किस प्रकार से होता है, तो इस पॉइंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मान के चलिए जैसे LPG गैस है, ठीक है, ये अपना एक टैंक है, लिक्विड एरिया में कहीं पर भी फायर हुई है, कहीं पर नहीं, जैसे ये अपना टैंक है, टैंक के आसपास कहीं पर भी फायर हुई है, ध्यान से सुनना, टैंक के आसपास कहीं पर भी फायर हुई है, इसमें ऑलरेडी क्या रहता है, वेपर रहता है, ठीक है, टैंक के आसपास फायर हुई है, तो फायर होने से क्या होगा मैं आपको देखते रहिएगा, बताता हूँ धीरे धीरे। जैसे यहाँ एक फायर हुई है टैंक के आसपास, या तो किसी ने जो होटवर्क कर रहे थे, होटवर्क करने से किसी रीजन से क्या होगी, फायर होने पे क्या होगा, LPG गैस का जो सिलेंडर है या जो टैंक है, ठीक है, उसके नज़दीक स्टार्टिंग में मान लेते हैं इस कोने से स्टार्ट होती है, फायर इससे स्टार्ट होगी, तो सबसे पहले इस एरिया में क्या करेगा, टेम्परेचर देना स्टार्ट करेगा, जो ये फायर है ना, इस लिक्विड टैंक को टेम्परेचर देना स्टार्ट करेगी, ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे क्या होता है, जो LPG गैस है ना, तो वो एक वेपर में, वाष्प, भाप में क्या होगी, कन्वर्ट होगी, तो धीरे धीरे भाप में कन्वर्ट होने लगेगी, धीरे धीरे भाप में कन्वर्ट होने, जैसे ही इनका टेम्परेचर बढ़ेगा, ध्यान से सुनिए, टॉपिक यहीं से इंपॉर्टेंट बनेगा, टेम्परेचर मिलना स्टार्ट हो गया, LPG एक सिलेंडर ले लो या टैंक ले लो, LPG सिलेंडर या टैंक को टेम्परेचर मिलना स्टार्ट हो गया, जैसे टेम्परेचर मिलना स्टार्ट हुआ तो जो ये LPG गैस है वो वेपर में कन्वर्ट होने लग गई धीरे धीरे, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट धीरे धीरे होने लग गई। तो एक डायग्राम दूसरा और बना लेते हैं, दूसरे डायग्राम के माध्यम से मैं बता देता हूँ, ठीक है, भी यहाँ पर क्या हुई है, फायर हुई है, तो लगातार ये जल रही है, भी फायर हो रही है, इनको टेम्परेचर मिल रहा है रेगुलरली, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ अपने क्या कर रहे थे, यहाँ जो वाष्प एरिया है वो 5-10% था, ठीक है, अब ये क्या करेगा, जैसे इनको टेम्परेचर मिलेगा तो ये LPG क्या करेगा, LPG इसका ये लेवल आ जाएगा, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये PR वाल्व है, यहाँ
ठीक है। तो ये एलपीजी गैस है भाई, जैसे इनको टेम्परेचर मिलेगा तो ये वेपर में कन्वर्ट होती जाएगी, टेम्परेचर इनको मिलता जाएगा वेपर में कन्वर्ट होती जाएगी। अब देखते रहिए कैसी एक्सप्लोज कैसे होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर लगातार मिल रहा है, टेम्परेचर मिलने के कारण होता क्या है कि जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ टेम्परेचर मिल रहा है, जैसे ये पॉइंट है यहाँ टेम्परेचर मिल रहा है, इस पॉइंट को अपने क्या बोलेंगे, इंपिंजमेंट। क्या बोलेंगे, इंपिंजमेंट। इंपिंजमेंट क्यों बोलेंगे, इंपिंजमेंट क्यों बोलेंगे भी, लगातार इनको इस जैसे इस जो इसकी परत बनी हुई है, जो इस लिक्विड टैंक की परत बनी हुई है, लगातार इसको टेम्परेचर मिल रहा है, फिर टेम्परेचर मिलने की वजह से जो इसकी ये परत है, ये परत क्या होगी, धीरे 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 ये परत क्या होगी, कमज़ोर होती जाएगी, ठीक है। इस कमज़ोर पॉइंट को अपने क्या बोलेंगे, इंपिंजमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंपिंजमेंट। अब अपने चर्चा इस बात पे कर रहे हैं, बिलीव सर ये कैसे एक्सप्लोज कैसे होता है, ठीक है, जुड़े रहिएगा, मैं बता देता हूँ, आप वीडियो को स्किप मत करना, शानदार टॉपिक है, इंपॉर्टेंट इसलिए आप फायर से जुड़े हुए हैं, आप फायर से जुड़े हुए हैं तो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे, छोटी छोटी अगर बातों का आपको ध्यान नहीं है तो किस बात का, किस लिए फायर का कोर्स कर रखा है, ये छोटी छोटी अगर पॉइंट आपको ध्यान है। देखो जैसे आपने फायर का कोर्स किया है, सभी बच्चों को पता है फायर में क्या होता है, फायर आग कितने प्रकार की होती है, आग कैसे लगती है, ये इंटरव्यू में आपसे कोई नहीं पूछेगा। आप इंटरव्यू देने जाओगे ना तो आपसे ये नहीं पूछेगा, ये जी फायर बताओ कितने प्रकार की होती है, इसमें कितने कैसे बुझाते हैं, कोई नहीं पूछेगा। जो ये पॉइंट बता रहा हूँ ना मैं, इस पॉइंट पर आप थोड़ा सा ध्यान दे लो, आपका इंटरव्यू कभी ऐसे होगा ही नहीं कि सर हमने इंटरव्यू देने गए हमें वो क्वेश्चन नहीं आया। टोटली इस चैनल के माध्यम से एक एक पॉइंट, जो भी कहीं पर भी आप इंटरव्यू देने जाओ, इस चैनल के माध्यम से एक एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, रिक्वेस्ट मेरी आपसे इतनी ही है, ठीक है। भी जैसे इसको टेम्परेचर मिलेगा, टेम्परेचर मिलते मिलते ये क्या परत क्या होगी, कमज़ोर हो जाएगी। कमज़ोर होने की वजह से क्या होगी, देखते रहो, ये कमज़ोर होगी, ठीक है, कमज़ोर होगी तो ये क्या है, पी आर वाल्व के माध्यम से जो वाष्प है ये क्या होगी, यहाँ से निकलती जाएगी। भी धीरे धीरे यहाँ से देखो, जो भी है अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं, घर में कुकर होता है ना, कुकर सभी ने देखा, जब अपने कोई भी भोजन वगैरह पकाते हैं, ठीक है, भोजन पकाते हैं तो टेम्परेचर धीरे धीरे कुकर को मिलता है, तो कुकर क्या करता है भाई, उसमें लिक्विड के रूप में ले लो या कोई भी अपने वस्तु उसमें डाल रखी है, तो जैसे ही उसको टेम्परेचर मिलेगा, टेम्परेचर मिलने के बाद में भी इसका एक एरिया है, इस एरिया में ये दबाव सहने की क्षमता है, भाई मैं हूँ तो मेरी एक दबाव सहने की क्षमता है, दबाव सहन नहीं कर पा, जैसे मेरे पास किसी मेरे पे किसी के मैंने हाथ पे क्या ली, कोई वस्तु ले ली, ठीक है, तो मेरी हाथ की कैपेसिटी है, मेरी हाथ की कैपेसिटी है, मैंने क्या कर लिया भाई, 10 किलो वजन उठाने की कैपेसिटी है, और जैसे ही मैं 10 से 11 किलो वजन आया तो हाथ धीरे धीरे नीचे जाएगा, मैं कितना ही कंट्रोल कर लूँ पर मेरी कैपेसिटी इतनी है। इस तरीके से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे इसको टेम्परेचर मिला, इसकी टेम्परेचर की जो ये टैंक है इसकी कैपेसिटी इतनी है कि ये भाई वाष्प ज़्यादा होगी, वाष्प ज़्यादा होने के कारण पी आर वाल्व से ये क्या करेगा, यहाँ से वाष्प निकलती जाएगी। अब ये एक्सप्लोज कैसे होगा ये मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ से फायर हो रही है ना, कमज़ोर परत होने के कारण धीरे धीरे ये क्या करेगी, इंटर करेगी, धीरे धीरे क्या करेगी, इंटर करेगी इस परत के माध्यम से, जो लोहे या किसी भी मेटल की बनी हुई ये जो एलपीजी टैंक की परत है, ठीक है, उसके माध्यम से ये क्या करेगी, अंदर इंटर करेगी। जैसे इंटर करेगी, यहाँ पर क्या बैठा है, वेपर, क्या बैठा है, वेपर, और वेपर और टेम्परेचर, वेपर और वेपर प्लस फायर दोनों कनेक्ट होके क्या करेगी, बिलीव, बिलीव यानी एक्सप्लोजन हो जाएगा, एक्सप्लोज यानी फटना। तो एक भी अचानक से किसी चीज़ का फटना आपने देखा तो कहीं होगा, जो ज़्यादातर नज़दीक तो नहीं देखा, पिक्चर में आपने देखा होगा कि कोई गाड़ी जा रही है, ठीक है, लिक्विड का टैंक जा रहा है, किसी ने क्या गोली चलाई, गोली चलाती वो टैंक फटेगा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो टैंक फटता उस गोली के माध्यम से क्यों फटता है, सेम बिलीव, ये जो अपना बिलीव पॉइंट है ना, बिलीव यही काम करता है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। इस तरीके के आपको फायर से रिलेटेड हर पॉइंट मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अवेलेबल करवाता रहूँगा। आप मेरे चैनल के साथ में इस तरीके का प्यार दीजिए, लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा, हर दिन आपको अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग शानदार आपको पॉइंट
या टॉपिक मैं अवेलेबल इस चैनल पे करवाऊंगा। धन्यवाद।